इमोशनल मूवी है और जो वुमेन के साथ अत्याचार होता है उसके ऊपर मूवी है। लोगों से अटैच करती है, रियलिटी है। जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो औरतों के साथ में जो तकलीफें होती हैं, जो आज की डेट में लोगों के माइंडसेट बना हुआ औरतों के खिलाफ में या वो है, उसके हिसाब से बहुत अच्छी मूवी है। लोगों से रिलेट करती है और इमोशनल मूवी है। अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मूवी देखते। आई विल से द एक्टिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड शी हैज़ डन गुड एक्टिंग एंड आई विल अप्रिशिएट दिस मूवी एंड आई होप दिस मूवी विल रॉक इन द इंडस्ट्री। 4.5 बहुत अच्छी मूवी थी। स्टोरी जो थी एब्सोल्युटली कुछ नई थी, कुछ जागृत करने वाली थी, तो बहुत ही अच्छी मूवी लगी। और अभिनय बहुत अच्छा था, मतलब एकदम वो थिएटर वाले जो आर्टिस्ट थे वैसा एक फील लगा। एक्चुअली रियलिस्टिक लगी पूरी मूवी, जिसमें सारी चीज़ें जो एकदम रियल दिखाई गई है, गाँव वाला सीन। और ज़्यादातर ये बहुत कम देखने को मिलता है, गाँव वाली चीज़ें, वो भी अच्छी थी। स्टोरी वॉज एब्सोल्युटली गुड। सो या आई विल गिव ऑलमोस्ट 4.5। बहुत ही इमोशनल, हार्ट टचिंग स्टोरी है, जैसे कि रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। मैं वाकई में इमोशनल हो गई। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत खूबसूरती से इस मूवी को पेश किया गया, बहुत अच्छा। बहुत बेस्ट ऑफ लक जिन पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। बहुत मैं अभी भी अंदर से देख के आई हूँ, मैं अभी भी मेरे को वो पूरा मैं उस मतलब निकल नहीं पा रही हूँ अभी तक। बहुत अच्छी, वेरी नाइस। डॉली जी बिल्कुल रियल, जैसे एक महिला का किरदार जो दिखाया गया है, तो बिल्कुल वैसे गांव की सीधी सादी औरत है। जो इच्छाएं उसकी दिखाई गई हैं जो डायरेक्टर ने, और एक्टर जो इतनी खूबसूरती से, कितनी सादगी से इस को दिखाया है, जो निखार है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं यही कामना करूँगी ये मूवी बहुत आगे जाए, ज़रूर देखेगा। और बस यही, मैं 5 out of 5 दूंगी। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सारी टीम को। नहीं, बहुत बहुत ही बेहतरीन कहानी है, और जी मैसेज भी है। और मैसेज तो खैर लास्ट के जो दो जो सॉन्ग के लिरिक्स हैं उसी में था, कि मतलब बार बार आपको पिंजरे से स्वतंत्र होने का मन करता है, लेकिन जब आप स्वतंत्र हो जाते हैं तो फिर वही पिंजरा आपको याद भी आता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है एक औरत का, कि उसे पिंजरा चूज़ करना है या पिंजरे के बाहर की स्वतंत्रता। इसी जद्दोजहद में जो है कई बार लाइफ सेटल नहीं हो पाती आपकी। बेहतरीन, मुझे डायरेक्शन बहुत ही प्यारा लगा, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, लोकेशंस को बड़ा अच्छा एक्सप्लॉइट किया है, और बहुत अर्थी फीलिंग है एकदम। बहुत रियल सिनेमा है, एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चीज़ों को पकड़ा गया है। बहुत बहुत पसंद आया मुझे, बहुत बेहतरीन लगा, बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत डेप्थ में काम किया उस लड़की ने, और डिफरेंट लेयर्स उसने बड़ी अच्छी क्रिएट की है। खासकर जब उसकी शादी होती है उसके बाद का, फिर उसके बाद शादी के बाद का, जब वो अपनी पिंजरे के बाहर की लाइफ चूज़ करती है, तो वो सारी एक्सप्रेशंस वर वेरी रियलिस्टिक। बिल्कुल, अभी अभी देखिए, अभी जो माहौल चल रहा है वो OTT और ये सब का, तो अभी हमारे उसमें आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा में कोई डिफरेंस रह नहीं गया है। अभी अगर अच्छा कंटेंट है वो अच्छा चलेगा, क्योंकि अब उसके लिए दर्शक तैयार भी हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ा बड़ा अच्छा साइन है आजकल, एक्टर्स के लिए भी, टेक्नीशियंस के लिए भी, डायरेक्टर के लिए भी। इट्स अ गुड टाइम टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ सिनेमा। मूवी बहुत अच्छी है। एक्चुअली सारे कपल्स को ये मूवी देखनी चाहिए, जो मैरिड कपल है उनको भी देखनी चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि वुमन की लाइफ क्या होती है। थैंक यू। बहुत अच्छी उनको अभी एक्चुअली जो देख रहे हैं उनको, और जो मूवी में कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है। इट्स वेरी, मैं देना चाहूँगी 5 में से 5। थैंक यू। प्यारी को कितना स्टार देना चाहिए? मैक्सिमम स्टार कितने हैं आपके? 5 5 प्लस, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये फिल्म वैसी है जो मुझे लगा कि मैं एक्चुअली मैं उस गांव में मौजूद हूँ, मेरे सामने ये कहानी हो रही है। और मुझे पता है बीइंग अ वुमन एज अ औरत, मतलब कि हमें क्या चाहिए, और वो उसकी जो उसको जो चाहत है वो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। एंड वॉट शी गोज थ्रू,
बेसिकली बस वही चाहिए कि प्यार चाहिए और बस ये फिल्म जो बनाई गई है ना, कोई मेलोड्रामा नहीं, कुछ भी नहीं है, जो स्टोरी टेलिंग भी इतनी ब्यूटीफुल है. आई मीन आई वॉज वेरी हैप्पी. मैंने ट्रेलर देखा था, सॉन्ग देखा था, सॉन्ग्स तो हिट हैं. आप सॉन्ग बोलिए, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं, हर एक चीज़ जो इसमें ना खूबसूरत है. नॉट बिकॉज मैं टिंकू जानती हूँ, बट एक्चुअली में प्यारी, एक प्यारी फिल्म बनी है और लॉन्ग वे टू गो एंड दिस फिल्म रॉक्स. सब एक्टर इतना अच्छा काम किया है, गाने, एवरीथिंग इज परफेक्ट. आई एम सो हैप्पी, थैंक यू. एकदम बहुत बहुत प्यारी. एब्सोल्युटली, मतलब क्या ही बोलूँ मैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि सर ने और मैम ने फर्स्ट टाइम अपनी मूवी में इतनी अच्छी एक्टिंग की है. एक्टिंग वाइज तो मतलब लग ही नहीं रहा कि उन्होंने फर्स्ट मूवी उनकी कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा मतलब मुझे देख के मतलब बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी कि कुछ एक्टिंग वाइज बहुत अच्छी हुई है. 4.5, क्योंकि मतलब एज एन एक्टिंग वाइज मैं तो 5/5 ही दूंगी, पर मतलब कहानी तो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर रिव्यू होता है उस वजह से मैं 4.5 दूंगी. प्यारी पिक्चर, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छा मैसेज है आदमी लोग के लिए कि वुमेन हैव फीलिंग्स इन देम, एंड अगर ऐसे अगर प्यार चलता रहे तो एक औरत अपनी खुशी के मारे शादी करेगी, खुश रहेगी, ताकि उसके भी कोई इच्छाएं होती है, वो भी लाइफ जीना चाहती है. एंड आई थिंक प्यारी बहुत ही सुपर मूवी है. आई गिव 5/5 फॉर दिस. प्यारी का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगा और डॉली ने जो प्यारी का कैरेक्टर किया है बहुत बढ़िया किया. रजनीश जी खुद डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किरदार किया है. स्पेशली जो गांव का जो एटमॉस्फियर था पूरा, वो रियल स्टोरी लगा है एकदम. और खास मैं संगीत की बात करूंगी तो सारे गाने बहुत अच्छे हैं. कहानी के हिसाब से पूरा म्यूज़िक बहुत अच्छा बनाया है जो भी किया. मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छी कलाकार है, आगे जाके फ्यूचर में अच्छा काम मिलना चाहिए उनको. 5/5, एक असली कहानी के लिए, क्योंकि रियल स्टोरी यही है, तो बहुत बढ़िया सबने काम किया.